हजरत, मेरी बहन ने पूछा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के नाम की कुर्बानी किया करते थे, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की अगर कुर्बानी करना चाहें और हम ये भी चाहें कि अहले बैत अतहार के नाम की भी कुर्बानी करें, तो अब क्या किया जाए? सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर क्या बात होगी कि आदमी जो है वो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की तरफ से कुर्बानी करे और उनके मुबारक मुकद्दस अहल की तरफ से अहले बैत अतहार। सुभान अल्लाह, तो नेकी का काम है ये, जो जिसे वसत है, इस्तेताअत है, करे, ज़रूर करे। बाकी रह गई बात ये कि जो है वो तरीका क्या है, इसमें ये होता है कि जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो अपनी वाजिब कुर्बानी अदा करे पहले उस, और उसका सवाब या तो पेश कर दे हुज़ूर की बारगाह में, या उसके बाद फिर अलग से हुज़ूर की तरफ से हिस्सा डालना चाहे या अलग से कुर्बानी करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी पर ख़ुद कुर्बानी वाजिब है और वो अपनी वाजिब कुर्बानी अदा करने की बजाय ये कहे कि जनाब ये हुज़ूर की तरफ से कुर्बान कर रहा हूँ, कि उस पर खुद वाजिब है तो पहले अपना वाजिब अदा करेगा, अपना वाजिब अदा करने के बाद अब वो हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम की तरफ से करना चाहे, हुजूर के अहले बैत अतहार की तरफ से करना चाहे, सरकार के सहाबा इकराम की तरफ से करना चाहे तो कर सकता है। बाकी अगर सिर्फ इतनी इस्तेताअत है कि एक अपना ही एक जानवर ले सकता है, ये एक हिस्सा डाल सकता है, तो अपनी तरफ से करे और उसका सवाब हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह अकदस में भी पेश कर दे, अहले बैत अतहार की बारगाह में भी पेश कर दे, सहाबा इकराम की बारगाह में भी पेश कर दे, बल्कि सारी मुकद्दस बारगाहों पेश कर दे, कुल उम्मत को पेश कर दे, सबको पहुंच जाएगा। अच्छा, या इसके ये भी कर सकते हैं हजरत कि एक अपना हिस्सा कर लें और एक और हिस्सा ऐसे एक हिस्सा और ऐसा ले लें वो सरकार अलैहिस्सलाम की तरफ से हो। अच्छा, ये भी किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी प्यारी बहन, क्या पूछना चाहती हैं? बहन, मेरा सवाल है कि जो ऑनलाइन कुर्बानी के बहुत से वो एड्स आ रहे हैं जिसके अंदर आपको कहते हैं कि हम महाजरीन को पहुँचा देंगे आपका हिस्सा, क्या इस तरह घर बैठे हम अपने कुर्बानी की नीयत से हिस्सा डाल दें, तो उसी तरह मकबूल है, उसका वही दर्जा है? और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इदारा है जो आगे से दानिश्ता या गैर दानिश्ता तौर पर कोताही की वजह से देर सवेर कमी पेशी गलती से मिस कर जाता है, तो क्या वो हमारा जो है वो हिस्सा और कुर्बानी कबूल होगी अल्लाह ताला के हाथ में? और अगर हम घर पे खुद से करते हैं तो वो ज़्यादा अफजल है, या किसी मुस्तहिक को बेहतर मुस्तहिक जगह पहुँच जाए जैसे फलस्तीन है ऐसी जगह पहुँच जाए तो वो ज़्यादा अफजल है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। मेरी बहन, आप टीवी सेट के पास जाइए, आपका सवाल अभी शामिल किया जाएगा।